meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Let's talk about generic channel for promoting shit to our industry. जी शावीर तो आते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन मैं बात बोल चैनल की कर रहा हूँ. बोल इतना शिट चैनल है कि उसको अपना नाम भोग रख लेना चाहिए. If you wanna judge someone, go for their roots. Not in every case, but in this case. Bol was created in 2013. Its owner is an exact company, which is basically a software company. जैक एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस है जिसने बहुत पहले एक फ्रॉड करा था फेक एकेडमिक डिग्रीज बेच के. अब जिस चैनल को ओनली एक फ्रॉड कंपनी करती है तो उसके गोल्स ही क्या होंगे. गोल से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट इट. सोशल मीडिया प्रोग्राम. गोल इज पायनियरिंग अ मीडिया रेवोल्यूशन एंड विल फर्दर एम्पलीफाई इट्स एफर्ट्स टू क्रिएट अ बेटर पाकिस्तान. एक बाइक के लिए चार लोगों को ऑन एयर गधों की तरह नचवा रहे हो, ये कौन सी एफर्ट है? एक काम करो ना, बोल नाम हटाइए, मुजरा लवर्स रख लो. बोल सोशल मीडिया प्रोग्राम इज अ प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बी द चेंज एजेंट. दुनिया के सामने टिकटॉकर्स को नचवा दोगे, लिटरली द वे दे टॉक रिप्रेजेंट्स देम. इंतहा की मैली हरकतें कर रहे होते हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं. कद्दू आएगा चेंज, ये पूरा पैराग्राफ ना पाकिस्तानी यूट्यूबर की लाइफ से रिलेट करता है. फोर्स पॉजिटिव इमेज. न्यूज चैनल कम, टिकटॉकर्स की प्रमोशन कैंपेन ज्यादा लगती है. अगर यही चेंज एजेंट है तो मैं नासिर खान जान का ओनली फैंस अकाउंट ले लेता हूँ. एटलीस्ट मजा तो आएगा देखने में कुछ. अब सवाल ये आते हैं कि इतना बड़ा चैनल है तो क्या उसको इस बात की एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि किसको बुलाना है और किसको नहीं? उनको बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट है. उनको पता है कि इन चूतियों की गाड़ मानने के लिए इंटरनेट पे बहुत लोग बैठे हैं. टैलेंटेड बंदे को बुलाओगे तो लोग एक से दो दफा अप्रिशिएट कर लेंगे, लेकिन अगर इन गधों को अपने हर शो में रखेंगे तो हमारी मार्केट गेम और स्ट्रांग होगी. अगर किसी टिकटॉकर में यह अकड़ है ना कि हमने इंडस्ट्री में काम कर लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया, तो अपनी बुंड में डाल लो इस गुरूर को. डालना, देख क्या रहा है. इंडस्ट्री तो मैं आर्टिस्ट नहीं, एक बकरा मानती है. यू आर रिप्रेजेंटेड एज अ क्लाउन टू एवरीवन, तो इसमें कोई फखर की बात नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे दिस फेम इज यूजलेस. पीपल नो यू बट दे डोंट रिस्पेक्ट यू. बेसिकली बोल न्यूज चैनल इज अ सर्कस वेयर यू वर्क एज अ क्लाउन. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रमोटिंग टैलेंट एंड यूजिंग क्लाउन्स फॉर टीआरपी. अब हमारे कल्चर के लिए शोज कितने बुरे हैं मैं तुम लोगों को समझाता हूँ. एक बच्चा जो अभी मेच्योर नहीं हुआ और उनको वो टीवी पे देख रहा है, तो वो भी देखकर इनको यही सोचेगा ना यार कि मैं भी ये सब हरकतें कर लेता हूँ, मैं भी टीवी पे फीचर हो जाऊंगा. ऑटोमेटिकली अपकमिंग यूथ आर्टिस्ट बनने पे नहीं, क्लाउन बनने पे ध्यान देगी. अब जिसका आइडली वैक हो वो क्या लेगेसी मेंटेन करेगा? आप इन शोज के थ्रू माशरे को क्रिएटिव क्रिएटर्स नहीं क्लाउन्स दे रहे हो. हेंस प्रूव यू आर रुइनिंग द कल्चर. वे लागला शिवाय इतिहास घड़त नहीं. अब बात करते हैं करंट यूथ की. जब एक आर्टिस्ट बंदा ये सब देखेगा ना तो यकीन करो उसको बहुत अफसोस होगा. वो बोलेगा मैं भी यही चुतिया पे कर लेता हूँ, मुझे कोई नोटिस कर लेगा इंडस्ट्री से. उसकी क्रिएटिविटी और उसकी आर्ट वहाँ मर जाएगी. हैंस प्रूव्ड यू आर रुइनिंग द कल्चर. बल्कि काम करो ना, अपने चैनल का नाम शिट पोस्टर्स रख लो, क्योंकि करते तो वही हो तुम लोग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई स्नैक वीडियो इज कॉल्ड शामिर अपाशा. अब टट्टी को टट्टी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐप की मार्केटिंग करने में और नीच मार्केटिंग करने में बहुत फर्क होता है. क्या मतलब 1500 रुपए दोगे तो लोग क्या डाउनलोड कर लेंगे ऐप? नेवर माइंड. अब जब लोग स्नैक को स्नेक लिख के डाउनलोड करेंगे तो क्या ही दिमाग होगा उनके पास? ये दुनिया का उसूल है, पहले इस्तेमाल करो फिर बदनाम करो. जो लोग कॉम को प्रोडक्टिव होने का बोला करते थे, आज वही एक एफर्टलेस ऐप प्रमोट कर रहे हैं. अभी तो पैसों के चक्कर में अंधों की तरह प्रमोशन कर रहे हैं सारे क्रिएटर, फिर बाद में एक साल बाद ना यही लोग गालियां दे रहे होंगे इनको. हर चीज का एक टैग होता है. स्नैक वीडियो इज नोन फॉर शिट कॉन्टेंट एंड नो वन कैन रिमूव दैट टैग. फिर चाहे जितना अच्छा कॉन्टेंट बना लो उस ऐप पे ट्रेंड शिट कॉन्टेंट ही होगा, क्योंकि उस ऐप की ऑडियंस को पसंद ही यही आता है. ठीक एक साल पहले एक टिकटॉकर ने एक हरकत करी थी और कुछ ही टाइम में स्नैक वीडियो का क्रिएटर भी कोई ऐसी चुतियापे की हरकत करेगा. यही लोग बोलेंगे दिस वाज सो इनह्यूमन एक्ट, शिट ऐप, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस एनीमोर. अबे चुप चूती है, जब पैसे के नशे में इसको प्रमोट कर रहा था तब तुझे ख्याल नहीं आया? भाई एवरेज स्नैक वीडियो क्रिएटर हूँ भाई. भाई कुछ बोल भाई, कंटेंट बना रहा था भाई, आप ऐसे आ गए कैमरा लेके. भाई हमें दिन में 5 बार आती है, 5 वीडियोस बनाते हैं हम. हमने जितनी गंदी आवाज में गाना भी गाया था, स्नैक वालों ने फीचर नहीं करा.
अब इनकी गैंड फाड़ दूँ। इसको डालो रैप शो में क्योंकि ये कॉमेडी कर रहा है। क्या वावा रैप शो बोल के कॉमेडी करवा देंगे। सर मैं टिकटॉकर हूँ। Okay, so let's talk about the conclusion of the video. Snack video के creator is like a dog. नस्ल कोई सी भी हो, दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अभी मेरा बिल्कुल भी बेस्ड ओपिनियन नहीं है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का जब टैग ही शिट कंटेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बोल न्यूज़ चैनल विल ऑलवेज शोकेस क्लाउंस बिकॉज़ दैट व्हाट सर्कस डू। पॉइंट नंबर 3, आई वांट माय ऑडियंस टू पोर्ट्रे देयर आर्ट एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। एज इंटरनेट इज सो ह्यूज, यू कैन मेक क्वालिटी वीडियोस लाइक रोस्टिंग वीडियोस, व्लॉग्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें, कॉमेडी स्किट्स हो गई। तो तुम लोगों को जो बनाना है बनाओ, पोर्ट्रे करो अपनी आर्ट को। एंड बाय मेंशनिंग दिस पॉइंट आई वांट टू मेंशन दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ओल्ड कंटेंट दैट वाज वेरी वैक एंड द स्ट्रीट वाइब कंटेंट था, वो स्ट्रीट ऑब्जर्व कंटेंट था। तो मैं अभी वाले कंटेंट की बात कर रहा हूँ। आई कैन मेंशन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक आउट। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। जब तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अपलोड करोगे अपनी आर्ट, पोर्ट्रे करोगे इंटरनेट के ऊपर, तो ऐसे गधे खुद ही मार्केट से खत्म हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। सर मैं फ्यूचर से आया हूँ और बहुत सारे लोग आपके अंदर फंस रहे हैं जनाब। आपको जहां पर भी दिखे ना, जहां पर भी आप उनसे कहिएगा कि जो वो बनना चाहते थे ना, वो मैं बन गया। बोल इतना शिट चैनल है कि उसको अपना नाम भौंक रख लेना चाहिए। सॉरी भाई जैद अली। मैं समझा सीक्वेंस खत्म हो गया, मुझे ऐसी आ रही, मैं रुका हुआ। एट द एंड ऑफ द डे दिस फेम इज यूजलेस। पीपल नो यू बट दे डोंट रिस्पेक्ट यू। क्या बात है बोल भाई, हीरो एकदम हीरो की तरह डायलॉग बोल ले रहे हैं आप। तो अपनी बुंड में डाल लो इस गुरूर को, डालना देख क्या रहा है। अगर यही चेंज एजेंट है तो इससे अच्छा तो मैं नासिर खान जान का ओनली फैंस का अकाउंट ले लेता हूं। ते बिल्ली आओ आओ सब अभी हेड मार रहे तू। थोड़ी सी ऊपर कर यूं। जुनूनी लहू था रहूं मैं अनोखा, अपोनेंट खुद ही का मैं खूंखार। वी रोल अप दे कॉलिंग दे कूजा, रगों से सगों का जो तोड़े भरोसा, तो खो दे वो सारा जो लूटा। वी कॉट एंड दे कॉलिंग यकूजा। जुनूनी लहू था रहूं मैं अनोखा, अपोनेंट खुद ही का मैं खूंखार। वी रोल अप दे कॉलिंग दे कूजा, रगों से सगों का जो तोड़े भरोसा, तो खो दे वो सारा जो लूटा। We caught and they calling Yakuza. खेल पुराना ये नए से खिलाड़ी, सारी जाली कलाकारी निकाली गलत बयानी। सारे खामियां तलाशी मेरी सारी पर गवाही देते साथी, ये बने फेरे हरामी। संभाड़ी कम इनको जरूरत मदद की, फकर से सफर में ये बाजी पलट दी। फिकर ना जिक्र की कला, ये चमकती फलक का सबर भी सलावो।